हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदारों के साथ इस समय मौजूद हैं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी को आप देख सकते हैं। संजय, आखिरकार गिरफ्तारी विकास दुबे की हो गई है, पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे, अब परिवार संतुष्ट, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल रोमाना, विकास दुबे को कत्ल करने में डर नहीं लगता था, लेकिन उसको अपनी हत्या का भय हमेशा बना रहता था। ऐसे में वो अपने साथ सुरक्षा घेरा लेकर चलता था, इसके साथ साथ वो अपने हाथ पे दुर्गा कवच बांध के चलता था। और आज भी महाकाल मंदिर में जब वो गया था तो उसको ये था कि महाकाल की शरण में जाकर उसका मौत क्या बिगाड़ लेगी। इस वक्त शहीद देवेंद्र मिश्रा के साढ़ू भाई रत्नाकर पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कमलाकांत पांडे जी, दुबे जी हमें बताएं थोड़ा, विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है, आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें कहना क्या है जी, क्या आप कोई अपराधी दुर्दांत कृत्य करके और दुर्गा कवच बांध के महाकाल के दरवाजे पे जाएगा तो क्या अपराधी को वो बख्श देंगे? महाकाल ने वही किया जो महाकाल करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज पूरा सातवां दिन हो रहा है उस घटना को बिकरू की, और आज अरेस्ट हुआ, लगातार उसके एक के बाद एक साथी मारे जा रहे थे, क्या सुलूक होना चाहिए विकास के साथ? देखिए, आप लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है, विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था, 12 घंटे का रास्ता है वहां से उज्जैन पहुंचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है, और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास दुबे ने भर अकेले में नहीं की है, या उसकी गैंग ने नहीं की है, उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे, जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा, मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है? उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो तार हैं वो अभी भी बरकरार है, नेटवर्क सक्रिय है, वरना इतनी सारे राज्यों की पुलिस अलर्ट होते हुए, सारी एसटीएफ होते हुए, सब कुछ होते हुए, एक आदमी जाके महाकाल मंदिर में दर्शन की टिकट कटवा रहा है, कहां थे सब लोग? और उसके बाद गार्ड फोन कर रहा है और जो पुलिस पकड़ने पहुंच रही है वो मीडिया वालों को लेकर पकड़ने पहुंच रही है। ऐसी होती है गिरफ्तारी ऐसे दुर्दांत एनकाउंटर करने वालों की? यूपी पुलिस के ऊपर तो आरोप लग ही चुके हैं कि कहीं ना कहीं विकास की मदद करते थे, मध्य प्रदेश की पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं किसी पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे सीधे तंत्र पे आरोप लगा रहा हूं। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको मत बीच में लाइए, पुलिस वाले भी तंत्र का हिस्सा ही है। तंत्र का हिस्सा तो ये पता करना आप लोगों का काम है, रोग अकेला मेरा नहीं, पूरे समाज का रोग है कि इस प्रकार की सरपरस्ती चल रही है और इस प्रकार के माफिया पनप रहे हैं, और बड़े बड़े स्तर के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे कोई हो। इसमें किसी विभाग को मत पकड़िए, इसमें किसी पार्टी को मत पकड़िए। आदमी गलत कर रहा तो इंडिविजुअल उसको पहचानिए कि ये आदमी गलत कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं वो भाजपा में है, कांग्रेस में है, कहां है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस पद पे है पुलिस में। तो खाकी और खादी दोनों का मिलीभगत थी विकास को बचाने में, ये डायलॉग मैं नहीं जानता, खाकी और खादी और काली, लेकिन कुल मिलाके 10 लोग समाज के जिम्मेवार तबका मिल करके एक निर्दोष और जांबाज पुलिस अधिकारी को मरवा देता है विभत्स तरीके से, उसके पैर काट दिए जाते हैं कुल्हाड़ी से, उसको मार दिया जाता है, और लाशें जला रहे थे जिस समय दूसरी टीम पहुंची, जलाने के बंदोबस्त में डीजल निकाल रहे थे। ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाऊं, मैं क्यों किसी का नाम लूं? ये तो आपकी समाज की समस्या, मैं सन्यासी हूं, मैं इन सब पचड़ों में पड़ता नहीं हूं। अगर मेरे छोटे भाई की बात ना होती तो इतना सब मैं ना बोलता, ना मैं चिट्ठी आपको दिखाता, ना वो बात करता। मैं आपको समाज का रोग बता रहा हूं कि यहां रोग है, सड़ांध फैल रही है, गैंग्रीन हो गया, इस पैर को काटिए नहीं तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। तो ये आपकी जवाबदारी है मीडिया वालों की कि आप पता लगाओ कि कौन उनके सरपरस्त हैं और जो अभी भी एक्टिव हैं, कौन है जो उसको बचा रहे हैं। ऐसे गिरफ्तारी होती है। का जिक्र आप कर रहे हैं, जो आपने चिट्ठी सीओ साहब की सामने आई थी, एसएसपी को लिखी थी आनंद देव को, वो चिट्ठी सही साबित हुई है तो हमको क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम व्यर्थ का बवाल करें या कोई नकली चिट्ठी लिख करके हम दें?
हमने तो ईमानदारी से जो उनके सामान में एक पत्र प्राप्त हुआ वो हमने दे दिया। अब ये पुलिस प्रशासन का अपना काम है, वो अधिकारियों ने जांच की, उन्होंने पता लगाया असली है नकली है, वो उनके काम है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। असली निकल आई तो कोई खुशी नहीं है, गलत निकल आती तो पुलिस खुद पता करती कि कहां से गलती हुई है। बाकी वो तो चले गए, हमारा दुख तो ज्यों का त्यों बरकरार है। अभी विकास पकड़ा गया है तो आपको नहीं लगता कि उससे पूछताछ में उसके सरपरस्तों का, उसके जो संरक्षण शरण देने वाले लोग हैं वो सामने आएंगे? देखिए जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनके सरपरस्त होते हैं वो अपराधी भी जेल में राजाओं की तरह रहते हैं, वहां से उनकी बादशाहत चलती है। तो ये तो आप लोगों ने देखना है ना कि उससे कैसा सलूक हो रहा है और उससे क्या निकल रहा है, ये देखना मेरा काम नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि जिस आश्चर्यजनक ढंग से वो गिरफ्तार हुआ है, अब ये तो मैं कभी जब जाऊंगा तो मध्य प्रदेश पुलिस से पूछूंगा कि क्या कहानी है भाइयों, जब इस तरह। आप तो खुद मध्य प्रदेश से हैं, कुछ संपर्क करने की कोशिश नहीं किया? देखिए मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं सन्यासी हूं, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, और चूंकि मेरा परिवार था यहां पे छोटे भाई का, इसलिए मैं संवेदना प्रकट करने आया था। लेकिन जब देखा यहां की पूरा लंका जैसा हाल चाल है तो यही समझ लीजिए हनुमान जी आए और उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनी सिंधु मझारी, जो होगा वो भगवान देखेंगे जी। रुमाना, तो ये रिश्तेदार थे शहीद शिव देवेंद्र मिश्रा जी के, और बता रहे हैं कि साफ तौर पर विकास दुबे आज पकड़ा नहीं गया पुलिस के जरिए। एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से वो फरीदाबाद से निकल करके उज्जैन पहुंच जाता है और पुलिस कहीं उसको नहीं टच कर पाती है, महाकाल मंदिर का एक सुरक्षा गार्ड जो है सूचना देता है जिसके बाद विकास को पकड़ा जाता है। नहीं, सवाल तो बड़ा खड़ा कर रहे हैं संजय त्रिपाठी, रिश्तेदार शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के कमलकांत दुबे कह रहे हैं कि मौत से बचा लिया गया, कह रहे हैं ऐसे गिरफ्तारी होती है, कहानी तो अभी शुरू हुई है, सरपरस्ती बरकरार है, नेटवर्क सक्रिय है, ये तमाम सवाल जो खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार कमलकांत दुबे। और आपको अब सीधे उज्जैन लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रम मौजूद है उज्जैन से। विक्रम, जिस जगह से गिरफ्तारी हुई है जरा एक बार दर्शकों को वो जगह भी दिखाइए, और अगर आपके साथ कोई गार्ड इस समय, सुरक्षा गार्ड जिसने पहचान की, किस तरीके से पहचान की, क्योंकि ये तो कोरोना का काल चल रहा है, सबके चेहरे ढके हुए हैं, फिर कैसे सुरक्षा गार्ड को शक हुआ, जरा ये तमाम सवाल है जिनके जवाब दर्शक जानना चाहते हैं। विक्रम, देखिए ये महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल जो आम श्रद्धालुओं का प्रवेश है वहां पर ऑनलाइन किया जा रहा है। आज सुबह जैसे ही विकास दुबे यहां पर पहुंचा, यहां के जो निजी सुरक्षाकर्मी महाकालेश्वर मंदिर में तैनात रहते हैं वो निजी सुरक्षाकर्मी, उसने इनको जो विकास दुबे उसको देखा और उसको गिरफ्तार करवाया, और इसी पुलिस चौकी में जो महाकालेश्वर मंदिर से लगी हुई पुलिस चौकी है यहां पर जो विकास दुबे उसको बिठाया गया था, यही पुलिसकर्मी है जिन्होंने विकास को सबसे पहले उनसे रूबरू हुए थे और उनसे किस तरीके से आपसे विकास दुबे जो संदिग्ध आज सुबह पकड़ा है किस तरीके से उसको चौकी में बिठाया गया था। अभी फिलहाल जो पुलिसकर्मी है उनको अधिकारियों ने निर्देश दे रखे हैं कि वे किसी भी प्रकार की यहां पर कोई बयानबाजी नहीं करें। यहां पर जो पुलिस सहायता केंद्र है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस सहायता केंद्र है अभी उसको फिलहाल बंद कर रखा है। यहीं पर विकास दुबे को पकड़ा गया था और विकास दुबे को यहीं पे पकड़ने के बाद जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है उनको सूचना दी गई और उसके बाद जो विकास दुबे है उसको यहां से अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जी रोमना जी, विक्रम ये जो पुलिस सहायता केंद्र आप दिखा रहे हैं यहां पर क्या मोस्ट वांटेड की कोई तस्वीर वगैरह भी चस्पा है? और मैं बस ये जानना चाह रही थी कि कोरोना के समय में तो सबके मुंह पर मास्क है या गमछे से लोग अपना मुंह ढककर रखते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा कर्मी जो महाकाल मंदिर में थे उन्हें इसका चेहरा कैसे दिख गया, उन्हें शक कैसे हुआ, ये बताइए। ये आपकी आवाज में मुझ तक बराबर पहुंच नहीं पा रही है जी, क्या मैं सुन नहीं जी, शक कैसे हुआ सुरक्षा कर्मी को, इसका चेहरा तो ढका हुआ होगा, मास्क किसने पहना होगा या गमछा मुंह पर ढका हुआ होगा? जी जी, ये सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जो महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पर सतत सुरक्षा कर्मी जो आधुनिक हथियार से लेस होकर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वे काफी व्यापक किए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में हमेशा यहाँ पर निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं और जो सुरक्षाकर्मी है उनकी मुस्तैदी की वजह से आज इतना बड़ा कुख्यात अपराधी पकड़ा है। जो पुलिसकर्मी है वे भी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी है वे अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनको वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां पर निर्देश दे रखे हैं कि वे चुप्पी साध रखें। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल जो विकास दुबे आया था ऐसा माना जाता है
के राजाधिराज महाकाल के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। मैं हमारे कैमरामैन सचिन से बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से महाकालेश्वर मंदिर के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई विकास दुबे के बारे में पूछताछ कर रहा है। फिलहाल पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी है उन्होंने चुप्पी साध रखी है, वे कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। विकास दुबे को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, तो मैं उस जगह को आपको बताऊंगा जहाँ पर विकास दुबे का जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जो महाकालेश्वर मंदिर की जो पुलिस चौकी है यहाँ पर भी विकास दुबे को बिठाया गया था। यह वही कक्ष है जहाँ पर विकास दुबे को बिठाया गया था और यहीं का एक फोटो वायरल हुआ, जिसके बाद यह पता चला है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया, उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां, हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भी हैं, यहाँ पर किस तरीके से अभी सावन का महीना चल रहा है और देश भर के श्रद्धालु आते हैं, आज विकास दुबे भी यहाँ से गिरफ्तार हुआ है, तो किस तरीके का अगर वो अंदर आ जाता है या पुलिस जिस तरीके से वो कुख्यात अपराधी है अगर मुठभेड़ जैसी स्थिति बनती है तो कितना डर होता पंडे पुजारियों को। यहाँ पर मंदिर में श्रावण मास को लेकर काफी सुरक्षा की स्थिति है, तो शायद सुरक्षा बल सिक्योरिटी गार्ड सतर्क से इसलिए पकड़ में आया है। रही बात श्रावण मास की, तो श्रावण मास की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चल रही है। 10,000 पब्लिक है, लगभग संतुष्ट है, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उत्सव की तैयारी है। यहाँ पर जो कुख्यात बदमाश विकास दुबे पकड़ाया है, तो क्या डर का माहौल है पंडे पुजारियों में या क्या, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम है? आप संतुष्ट है पूरा सुरक्षा इंतजाम? सुरक्षा इंतजाम तो जरूर संतुष्ट है, अगर सुरक्षा व्यवस्थित नहीं होती शायद पकड़ में नहीं आता। पूरे देश की पुलिस लगी हुई थी लेकिन यहाँ पर पकड़ में आ गया, इसलिए सजगता वाली बात ही है ये। देखिए किस तरीके से पंडे पुजारी और काफी यहाँ के सुरक्षा कर्मी खुश हैं, पुलिस कर्मी खुश हैं और काफी उनको इस बात का उत्साह है कि जिसे देश भर की पुलिस ढूंढ रही थी उसे उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विक्रम, विक्रम कितने बजे पहुंचा था महाकाल मंदिर में? 8 बजे के आसपास पहुंचा था महाकाल मंदिर में, बताइए जरा। देखिए आज सुबह के लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का समय रहा होगा जब विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और महाकालेश्वर मंदिर में उसने 250 रूपये की रसीद कटाई, चुकी महाकालेश्वर मंदिर में अभी फिलहाल जो श्रद्धालु है उनको सीधे दर्शन नहीं कराए जा रहे हैं और महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें 2 घंटे पहले ऑनलाइन बुकिंग कराना होती है। इतना वक्त विकास दुबे के पास नहीं था। यहां पर एक और व्यवस्था है, कोई अगर श्रद्धालु बाहर का अर्जेंट दर्शन करना चाहे तो उसे 250 रूपये की रसीद कटाना पड़ती है, तो विकास दुबे ने 250 रूपये की रसीद ली। उसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, एक सुरक्षाकर्मी ने उसके जो मुंह पे मास्क था उसको हटाया, वो जैसे ही हटाया वो विचलित हो गया और उसने जब उस सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो विकास दुबे ने उसके साथ हाथापाई भी की और भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी वहां पर अधिक संख्या में थे और वहां पर पुलिस बल भी तैनात था, तो विकास दुबे को तुरंत दबोच लिया गया और विकास दुबे को जब पकड़ा गया उसके बाद सबसे पहले यहां महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी लाया गया। यहां से उसे जो जीप है पुलिस का वाहन है उससे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं करे, कोई बयान नहीं दे, मीडिया को नहीं बताए, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन आला अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के गृहमंत्री भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे ही गिरफ्तार हुआ है। मैं आगे आपके पास आऊंगी तो समझने की कोशिश करेंगे कुछ सूत्रों से अगर जानकारी मिल पा रही हो कि अभी कहां रखा गया है विकास दुबे को, क्या यूपी पुलिस का इंतजार किया जा रहा है कि यूपी पुलिस मध्य प्रदेश आए और तब इसको हैंडओवर किया जाए, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी ये मैं आपसे जानूंगी। फिलहाल जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं बिकरू गांव, कानपुर का बिकरू गांव, जहां 8 पुलिस वालों की हत्या की थी इस विकास दुबे ने। वहां से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा को आप देख पा रहे हैं। मनोज, विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार और पीछे आपके बिकरू गांव में मैं सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा देख पा रही जी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम विकास दुबे के घर के बाहर ही मौजूद हैं और पूरे के पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी शख्स गांव का नजर नहीं आ रहा है और आज ही नहीं बल्कि कल भी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पुलिस के अलावा आपको यहां पर कोई भी घूमता हुआ और मीडिया के अलावा कोई आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ पुलिस ही यहां पर मौजूद है और गांव का एक भी आदमी यहां पर नहीं है और उसकी वजह है डर। कल भी जब हमने लोगों से बात करना चाहा तो लोगों ने कैमरे पर हमसे बात करने के लिए साफ मना कर दिया। लोगों के अंदर एक डर है, विकास दुबे को लेकर एक खौफ है और जो अभी भी बरकरार है। और गिरफ्तार होने के बाद जब हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तब भी लोगों ने हमसे कैमरे पर बिल्कुल भी नहीं बात की और वो बहुत ज्यादा डर गए हैं
क्योंकि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है और लोगों का अब भी ये कहना है कि अगर ये गिरफ्तार हुआ है तो ये जल्द ही जेल से बाहर भी आ जाएगा और उसके बाद फिर से गांव के अंदर इसी तरीके से तांडव करेगा जैसा पहले भी अमूमन होता रहा है। इतना ही नहीं, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो गोलियां चली थी उससे पहले भी कई बार इस तरीके के कांड जो है गांव के अंदर होते रहे हैं। फिलहाल विकास दुबे को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसटीएफ की जो टीम है वो अब उज्जैन के लिए निकल चुकी है और उज्जैन पहुंचने के बाद अब जो विकास दुबे है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और एसटीएफ की टीम ट्रांजिट रिमांड पर विकास दुबे को लेकर आएगी और फिर उससे पूछताछ की जाएगी, फिर उससे वो कहानी पूछी जाएगी कि आखिरकार कैसे उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की, कैसे उसने ये पूरी की पूरी साजिश रची और ये सब उसने कैसे किया और उसके बाकी जो साथी हैं वो कहां पर फरार हैं। फिलहाल आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे गांव का दृश्य, आप देखिए कि पूरे के पूरे जो गांव है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। ये विकास दुबे का घर है जहां सिर्फ पुलिस वालों की मौजूदगी है और आपको सिर्फ यहां पर पुलिस के अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, ये बिकरू गांव की तस्वीरें जो मनोज वर्मा दिखा रहे हैं, कानपुर का बिकरू गांव, यही गांव तो गवाह बना था 8 पुलिस वालों की हत्या का और वही मोस्ट वांटेड 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। विकास दुबे से जुड़ी पल पल की जानकारी सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाई है। देखिए किस तरीके से आज गिरफ्तारी की खबर भी सबसे पहले हमने आपको दी। विकास दुबे के होटल में सबसे पहले सीसीटीवी में कैद विकास दुबे सबसे पहले, प्रभात अरेस्ट की खबर सबसे पहले, अमर दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले, श्यामू वाजपेयी अरेस्ट की खबर सबसे पहले, इटावा में बउआ दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले, कानपुर में प्रभात के मारे जाने की खबर सबसे पहले, विकास दुबे की गिरफ्तारी सबसे पहले। बिकरू नरसंहार की हर खबर सबसे पहले। तो बिकरू नरसंहार की हर खबर सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। विकास दुबे मोस्ट वांटेड विकास दुबे, हत्यारा विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए पुलिस के हाथ विकास दुबे की गर्दन पर, लेकिन हेगड़ी फिर भी कम नहीं होगी। तो सुन रहे हैं आप ये दबंगई आवाज में विकास दुबे की, ये हेकड़ी विकास दुबे की आवाज की कि पुलिस के हाथ विकास दुबे की गर्दन पर पहुंच गए हैं, लेकिन विकास दुबे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकला, वही हाल इस समय कुछ विकास दुबे का नजर आ रहा है। और इसी बात का डर तो शहीद के परिवार वाले जता रहे थे। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार वाले कमलकांत दुबे कुछ ही देर पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज पर सवाल पूछ रहे थे कि साहब क्या ऐसे होती है गिरफ्तारी। और इस बीच बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस समय मौजूद हैं। पंकज, इस बात के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या, किस तरीके से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लेकर आया जाएगा, इस बात को लेकर बातचीत हुई है या फिर बातचीत का मुद्दा क्या था?
देखिए अभी तो योगी आदित्यनाथ कोविड को लेकर के जो बैठक होती है उनके टीम वाले उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने फोन किया, सारी बात बताई कि किस तरीके से विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और उससे पहले भी उन्होंने सीनियर अधिकारियों से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी और सारे एसटीएफ के अधिकारियों से भी बातचीत की है और ये तय हुआ कि उसे जल्द से जल्द लाया जाए। इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के नामों का खुलासा हो, पूछताछ हो, और इसीलिए एसटीएफ की टीम आज ही जा रही है उज्जैन और वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आएगी विकास दुबे को। ये बातचीत आज मीटिंग से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ की है। तो एसटीएफ की टीम आज ही जा रही है उज्जैन, आज ही लेकर आया जाएगा विकास दुबे को उत्तर प्रदेश कानपुर, जहां उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की। ये देखिए आप, जिस समय गिरफ्तार किया गया विकास दुबे को उस समय की ये तस्वीर। और इस बीच विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। ये सरेंडर है या गिरफ्तारी, पुलिस साफ करे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये सरेंडर है या फिर गिरफ्तारी। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। आगे अपने स्पीच में अखिलेश यादव ने लिखा, अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर, जो कॉल डिटेल्स हैं, उसको सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का संरक्षण मिल रहा है विकास दुबे को, ये सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव का ये ट्वीट कि ये सरेंडर था या फिर गिरफ्तारी। और गैंगस्टर विकास दुबे का जो खेल खल्लास हुआ है, जरा देखिए आप अब तक किस तरीके की तस्वीरें विकास दुबे के सामने आई थी। जब वो कानपुर से फरार हुआ था 8 पुलिस वालों की हत्या करके, फरीदाबाद के एक होटल में सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर उसके सामने आई। इसके बाद फरीदाबाद में ही सड़क किनारे खड़े हुए ऑटो के इंतजार में जब था विकास दुबे, उस समय की तस्वीर उसके सामने आई। और फिर आज सुबह की तस्वीर 9:45 के आसपास की उज्जैन महाकाल मंदिर में, और फिर महाकाल मंदिर के अंदर जो चौकी है वहां जब उसको बिठाया गया था, पुलिस की पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, उस समय की तस्वीर, फिर सुरक्षाकर्मी उसको लेकर जाते हुए वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और उज्जैन से जब गिरफ्तार कर लिया गया, मध्य प्रदेश पुलिस जब उसे अपने साथ लेकर जा रही थी, जिस समय उसने बड़े दबंगई वाले अंदाज से हेकड़ी भरी आवाज में कहा, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, अपने होने की खुद जब मोहर लगाने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे, उस समय की तस्वीर भी आपके सामने है। तो गैंगस्टर विकास का खेल खल्लास एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं बिकरू गांव, जहां मनोज वर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, और मनोज वर्मा के साथ इस समय विकास दुबे का एक रिश्तेदार मौजूद है। मनोज, अब जबकि विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, क्या कह रहे हैं ये रिश्तेदार? बिल्कुल, देखिए अभी वो बाहर की तरफ थे लेकिन अभी अंदर चले गए हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। और ये रिश्ते में जो विकास दुबे के मामा थे जो कि एनकाउंटर में मारे भी गए, और इस घर के अंदर ही जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे उनका कत्ल किया गया था। एक मिनट के लिए आप बाहर आ जाएंगे? नहीं, पापा की अस्थियां गिरा दीजिए, फिर जो पूछना हो वो। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, विकास दुबे गिरफ्तार हो गया, उसके आगे आएगा, हम उसके उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। वो मेरी अखंड ज्योत देख लीजिए, वो जल रही है, बस अपने आदमी के लिए, इनके बेटे के लिए, उनकी स्थिति देख लीजिए, जो आपको कैमरा दिखा रहा है उनकी तरफ दिखाइए। खाली आप भी किसी के बेटे होंगे, सब लोग उनका बेटा जिस दिन वापस आ जाएगा उसी उसके अगले दिन ये घर छोड़ के हम लोग चले जाएंगे। आज 5 दिन से मेरे बेटे को लैट्रिन आ रही है, दवा नाम की चीज नहीं है मेरे पास, आप लोगों को अपने रिपोर्टरों की पड़ी हुई है, देखो भैया वो कितनी दहशत है अभी भी लोगों के अंदर। विकास दुबे गिरफ्तार हो गया और पहले भी उसकी दहशत लगातार बरकरार है। उनका नाती मरा, हमने ऐसे करके बस भगवान ही के पास हम खड़े थे, तब तक कोई आया बताया कि ये हो गया है, फिर हम वहां से हटके यहाँ अपने बच्चों के पास आए। मेरी अखंड जोत चल रही है। मुझे लगता है मनोज वो बात नहीं करना चाह रही है, तो हमें जबरदस्ती बात नहीं करनी चाहिए। ये गांव में जो लोग मौजूद हैं उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी आप आवाज सुन रहे थे। कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सबके मन में है। अच्छा, जो शहीद के परिवार वाले हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ऐसे गिरफ्तारी होती है, वो सीधे सीधे ये सवाल उठा रहे हैं कि ये तो मौत से बचाया गया है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार कमलकांत दुबे ने कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज पर ये आरोप लगाए कि सरपरस्ती बरकरार है विकास दुबे की,
उनका कहना है कि नेटवर्क सक्रिय है विकास दुबे का, तभी तो फरीदाबाद में देखे जाने वाला विकास दुबे पहुंच जाता है उज्जैन महाकाल मंदिर, वहां पर उसको एक निहत्ता सुरक्षा गार्ड पहचान लेता है, जबकि फरीदाबाद में पूरी पुलिस टीम मौजूद थी और पुलिस उसको पहचान नहीं पाती है। तो इस तरीके के कई सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं इस वक्त शहीद के परिवार वालों की तरफ से। हम सीधे रुख करते हैं लखनऊ से, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद है। रणवीर, एसटीएफ की टीम बताया जा रहा है निकल गई है अब उज्जैन के लिए, इसको लाने के लिए उत्तर प्रदेश, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, एसटीएफ की टीम निकली है उज्जैन और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ लगातार यूपी पुलिस संपर्क में है और कोशिश है कि आज कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड ली जाए और आज ही कोशिश है कि उसको किसी भी हाल में यूपी लाया जाए ताकि जल्द से जल्द पूछताछ हो और बाकी भी जो उसके साथी फरार हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। इसके अलावा जो पुलिस है सरकार के तरफ से भी जो है लगातार सरकारों से संपर्क किया जा रहा है और ये किसी गोपनीय स्थान पर रखा गया ऐसी जानकारी हमें आई है ताकि जब तक यूपी एसटीएफ वहां ना पहुंचे और उसको कोर्ट ले जाया जाए तब तक उसको सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। फिलहाल इस बीच में एक बड़ा सवाल ये कि अगर कल फरीदाबाद में विकास दुबे देखा गया था तो लगभग 770 किलोमीटर की दूरी है उज्जैन की और अगर एक आम आदमी ट्रेवल करता है तो लगभग 14 घंटे के आसपास लगते हैं। ऐसे में कौन कौन से राज्य थे, किस किस सड़क से गुजरा, जब यूपी के अगल बगल के सारे स्टेट्स में अलर्ट मोड में थी पुलिस, तो आखिर वो कैसे 14-15 घंटे की दूरी कल से आज तक तय करके वहां पहुंच जाता है और उसके बाद खुद, और उसकी आवाज सुनिए, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ये कहने का सीधा मतलब ये है कि वो सबको बताना चाहता है कि गिरफ्तारी हो गई है। कहीं ना कहीं एक डर भी है मन में कि एनकाउंटर ना हो जाए, इस तरह की आशंका की वजह से ही शायद वो अपना नाम चीख पुकार रहा है और पुलिस के सामने जो है जब उसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है तो बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तो मैं पकड़ा गया हूं लेकिन मैं ही विकास दुबे हूं। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं, हर तरह के पहलुओं की जांच होगी कि आखिर किन किन लोगों की वजह से इतना लंबा फासला उसने तय किया है, तो कैसे किया, किस गाड़ी से किया। डर तो बहुत है, दरअसल डर तो बहुत है रणवीर, और ये डर दिखाता है महाकाल मंदिर उसका पहुंचना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद वो शायद इसी वजह से लेने गया था, अकाल मृत्यु के भय को ही तो दूर करते हैं बाबा महाकाल, जहां उज्जैन में वो दर्शन करने के लिए पहुंचा था। ये देखिए तस्वीर, गिरफ्तार किया गया विकास दुबे को, खुद बाकायदा ऐलान करता हुआ ताकि सब जान लें कि पकड़ में आ चुका है, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। हेकड़ी वही, दबंगई वही आवाज में विकास दुबे को गिरफ्तार उज्जैन में किया गया है। अज्ञात जगह पर इस समय उसको रखा गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात कर ली है। एसटीएफ की टीम यूपी से निकल गई है मध्य प्रदेश के लिए, आज ही ट्रांजिट रिमांड पर इसको उत्तर प्रदेश लेकर आया जाएगा। यूपी पुलिस विकास को कानपुर लाएगी। 8 पुलिस वालों का हत्यारा है ये विकास दुबे, मोस्ट वॉन्टेड विकास दुबे। इस समय का अपडेट एक बार फिर से जानिए, महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना विकास दुबे को, सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में है इस समय विकास दुबे। आज सुबह महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे, करीब 8:30-9 बजे के आसपास वहां जाकर दर्शन के लिए रसीद कटा रहा था विकास दुबे, 250 रुपए की रसीद। उसी समय वहां मौजूद एक सुरक्षाकर्मी को शक हुआ, उसने मास्क उतरवाया तो चेहरा देखकर वो भौचक्का रह गया, उसने बाकी सुरक्षाकर्मियों को वहां पर बुला लिया। विकास ने हालांकि वहां से भागने की कोशिश की, उन्हें गच्चा देने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स पूरी तरीके से सतर्क थे महाकाल मंदिर में। पुलिस को फौरन सूचना दे दी गई नजदीक में ही महाकाल चौकी, जहां पर पुलिस वाले पहुंचे और उसके बाद ये तस्वीर, मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे। लेकर चलते हैं आपको एक बार फिर से विकास दुबे के गांव बिकरू में, वो गांव जो 8 पुलिस वालों की हत्याकांड का गवाह है, वहीं पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है गांव में। इस समय का वक्त गांव में चहल पहल का वक्त होता है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, खेत खलियान में जा रहे होते हैं, लेकिन इस समय बिकरू गांव में सन्नाटा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है बिकरू गांव में। लेकिन क्या कुछ राहत की सांस बिकरू गांव के लोग ले पा रहे हैं मनोज, अब इस खबर के सामने आने के बाद कि गिरफ्त में तो आया कम से कम विकास दुबे? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, राहत की सांस गांव वाले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दूं कि गांव वाले अब बहुत ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब अगर विकास दुबे पकड़ा गया है, उससे पहले भी वो कई बार जेल जा चुका है और लगातार बेल पर बाहर भी आ जाता है, तो उनको अब भी यही लग रहा है कि वो पकड़ा तो जरूर गया है लेकिन बेल पर बाहर आएगा और उसके बाद फिर से गांव में वही तांडव और वो उसी तरीके के गोलीकांड होते रहेंगे जैसे कि पहले होते रहेंगे। और एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देखिए गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं,
अगर हम आपको लेकर चले आगे की तरफ तो देखिए पूरा ये विकास दुबे का घर है जो चारों तरफ बाउंड्री थी इसकी, वो पुलिस ने आधा ढहा दिया इसको और पूरे गांव में पुलिस के अलावा आपको कोई भी शख्स नजर नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं रोमाना, गांव के जितने भी पुरुष थे वो सबके सब 90% जो पुरुष हैं वो गांव में नहीं है, या तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है या फिर वो डर की वजह से फरार हो गए। गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ औरतें बची हैं और ये देखिए गांव की गलियां एकदम सुनसान, ये विकास दुबे का घर और ये गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बिकरू गांव और कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल डर है, डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अभी भी इस भय में हैं कि साहब ये तो पहले भी गिरफ्तार हुआ है ना, लेकिन सरपरस्ती ऐसी है इसकी कि निकल आता है फिर बाद में बेल पर और फिर शुरू कर देता है अपने भय का तांडव। ये बड़ी खबर आज की, गैंगस्टर विकास दुबे का फिलहाल खेल खल्लास, खादी की गिरफ्त में विकास दुबे। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रूपिका। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना। और